नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आशा करते हैं अच्छे से होंगे। बच्चों, हम लोग जो अभ्यास कर रहे थे उसमें किसी कारणवश वीडियो रुक गया था, और तो चलिए हम लोग आगे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हम लोग थे प्रश्न का निर्माण करने पे, रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माण कुरुत में थे। तो ये पहला वाला जो ये प्रश्न था, पहला प्रश्न ही ये ग का प्रश्न था आपका, कि अन्यम अपि वरम, इसके पहले के हम करवा चुके हैं, अन्यम अपि वरम इच्छामि। तो सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि ये जो गलत लिखा हुआ है इसको आप सही करिए। इच्छामि होता है, क्या होता है? इच्छामि। तो पहले कर दीजिए इसको आधा च, ठीक है, इसको कट करके आप लिखिए इच्छामि, ठीक है, इसको आप ऐसे कर लीजिए। अब देखिए, ठीक है, इसको आप सही कर चुके होंगे। और अंडरलाइन कहाँ लगा हुआ है? वरम में लगा हुआ है। अन्य दूसरा वरदान मांगना चाहता हूँ, अन्य दूसरा वरदान की इच्छा है, इच्छा रखता हूँ, ठीक है। तो इस पे वरम पे आ गया, तो अब वरम, वरम बात तो वही हुई, नपुंसक लिंग है। दूसरा वरदान, दूसरे की भी क्या रखता हूँ, दूसरे की भी क्या क्या इच्छा रखता हूँ, दूसरे की भी क्या इच्छा रखता हूँ। जब आप इसका अनुवाद करेंगे तो वर हटाइए, वर के स्थान वर हटा करके आप इसकी अनुवाद करिए, देखिए क्या आएगा, दूसरे की भी क्या इच्छा रखता हूँ। तो आप बीच में क्या आया, क्या आया, ठीक है। और ये क्या है, नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम, किम का प्रयोग करते हैं। तो क्या प्रश्न का निर्माण होगा कि अन्यम अपि किम इच्छामि, क्या इच्छा करता हूँ, ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे। तव पादुके प्रणताया प्रणताय मे प्रयक्ष, तव पादुके क्या है, तव पादुके प्रणताय, प्रणताय मतलब होता है प्रार्थना करना, निवेदन करना, ठीक है, विनम्रता के साथ निवेदन करना। मैं एक प्रयक्ष कहते हैं कि आप पादुके अपने खड़ाओं को, मैं विनम्रता के साथ निवेदन करता हूँ कि आप अपने खड़ाओं को, मैं मुझे प्रयक्ष, ठीक है। यहाँ पे जो मैं में जो बिंदी लगी ना, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। कभी कभी जो टाइपिंग में ऐसी हो जाती है मिस्टेक, तो आप इसको इग्नोर करिए और इसको हटा दीजिए बिंदी। मैं मतलब मुझे प्रयक्ष प्रदान करिए। तो इसमें अंडरलाइन कहाँ पर है, तो इसमें अंडरलाइन है तव पादुके पे, कहाँ पर अंडरलाइन है, तव पादुके पे, कि विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि अपनी पादुका अपने खड़ाओं को मुझे प्रदान करिए। तो मुझे प्रदान करिए, तो ये पादुका जो होता है ना बच्चों, ये पादुका है आपकी, आप पादुका मांग रहे हैं तो दोनों पादुका को मांग रहे हैं, और ये पादुका आपकी स्त्रीलिंग होती है, क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। तो ये अब ये कह रहे हैं पादुका, अपनी दोनों पादुका को विनम्रता के साथ निवेदन है कि आप अपनी दोनों पादुका को मुझे प्रदान कर दीजिए। तो अब ये दोनों को छोड़िए, ठीक है, अब आपको प्रश्न का निर्माण करना है, तो इन्हीं दोनों पे अंडरलाइन है, तो इसको छोड़िए और इसका अनुवाद करिए। प्रणताय में प्रयक्ष, विनम्रता के साथ निवेदन है कि मुझे प्रदान करिए, तो क्या प्रदान, तो आया ना क्या, आया क्या, तो क्या प्रदान करिए। अब क्या आ गया, ठीक, प्रश्न क्या आया हिंदी में, क्या, अब क्या के लिए है, और ये स्त्रीलिंग है। नपुंसक लिंग होता तो हम किम का प्रयोग करते, लेकिन ये स्त्रीलिंग है और द्विवचन में है पादुके, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, का के, का होता है ना, तो क्या आ जाएगा आपका, के, ठीक, द्विवचन में आएगा आपका के, तो हो जाएगा आपका के प्रणताय में प्रयक्ष, विनम्रता के साथ में मुझे क्या दीजिए, क्या विनम्रता के साथ में मुझे दीजिए, तो अपनी दोनों पादुकाएं, अपने दोनों खड़ाऊ को मुझे प्रदान कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे, प्रश्न का निर्माण करेंगे बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है,
अब ये आपका नेक्स्ट आता है, ये देखिए अधोलिखित, थोड़ा सा और इसको बड़ा करते हैं फिर देखते हैं। अधोलिखित पदेशु, ये हम अपनी ये बुक में ही हम सॉल्व कर दिए हैं। अधोलिखित, अधोलिखित मतलब नीचे लिखे हुए पदों में, पदों में। अब ये इसमें कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, पदेशु, ये आपकी सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, ठीक है, अधिकारक है। पदों में संधिम कृत्वा करके, क्त्वा प्रत्यय, कृ धातु में क्त्वा प्रत्यय लगा है, क्त्वा प्रत्यय जब जब जहाँ लगता है, ठीक है, क्त्वा प्रत्यय लगा है, क्त्वा प्रत्यय जहाँ लगता है उसका सेंस क्या होता है, करके, ठीक है। तो क्या है, नीचे लिखे हुए पदों में संधि करके लिखो, लोट लकार है। अयम अस्मि, अयम अस्मि क्या हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा अयम अस्मि। अब ये क्या है, ये देखिए ये म आधा है, इसमें नीचे हलंत लगा है, तो ये क्या हो गया, इसमें स्वर नहीं है म में, तो बगल में स्वर है, तो स्वर आकर के म से मिल गया तो ये हलंत हट जाएगा, म में स्वर आ गया तो हलंत हट जाएगा, हो क्या हो गया, अयम अस्मि। सुआगतम, सुआगतम में कौन सी संधि हुई है भाई, सुआगतम में यड़ संधि हुई है, उसका सूत्र होता है इको यड़ची। देखिए सु में क्या लगा है, ऊ लगा है, ठीक है, ऊ प्लस आ, तो जब भी कहते हैं ऊ के बाद, ठीक है, और जब भी यड़ जैसे उसके बाद अगर उसके असमान स्वर आता है तो ऊ का क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। अब इस सिर्फ इसको समझिए कि ऊ का क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, आ तो ऐसे ही रहेगा लेकिन ऊ व में बदल जाएगा, व में, तो ऊ व में जब बदल गया तो स कैसा हो गया, स में ही तो ऊ की मात्रा लगी है, तो स कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो गया, स्वागतम, ठीक। तो इसमें कौन सी संधि हो गई है, यड़ संधि हो गई है, और यड़ संधि का सूत्र होता है इको यड़ची। ये देखिए अथ इदानीम, अथ इदानीम, अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस ई बराबर ए होता है, ये कौन सी संधि होती है, ये संधि होती है आपकी गुण संधि। गुण संधि का सूत्र क्या है, आद गुणः, अथे दानीम, अथे दानीम, और अ ई दोनों मिलकर के ए हो गया है, ठीक है। स्वागतम में सिर्फ सु का ऊ हुआ था लेकिन यहाँ पे दोनों मिलकर के ए हो गया है, तो अथे दानीम। अभिषेक धन उदकम, अभिषेकोदकम, यहाँ भी कौन सी संधि हो गई है, यहाँ भी गुण संधि हो गई है, जहाँ भी अ प्लस ऊ आएगा, अ प्लस ऊ बराबर क्या होता है, ओ होता है, ठीक है, तो यहाँ पे अ प्लस ऊ बराबर ओ हो गया, तो अभिषेकोदकम, अभिषेकोदकम, ये हो गई आपकी गुण संधि। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुण। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी वाक्य में प्रयोग करना है। अधोलिखितानि क्या है, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य वाक्य रचनाम कुरुत, नीचे लिखे हुए पदों को प्रयुज्य प्रयोग करके वाक्य रचना कुरुत, वाक्य रचना करो। भरत, अब एक समझा भी दिए ये भरत, जैसे भरत भ्रातृवत्सल आसीत, भरत भाई से स्नेह करने वाले थे, ठीक है, तो ये देखिए आपकी बुक का है ना, इसने वैसे ही, अब ये देखिए अनुग्रहीत, अनुग्रहीत भी बहुत बड़ा है, अनुग्रहीतो अस्मि, अनुग्रहीत हूँ मैं, अनुग्रहीत हूँ। स्वागतम, एहि एहि इच्छुआ कुमार स्वागतम, मतलब ऐसा वाक्य बनाइए जिसमें ये वाक्य, ऐसा वाक्य बनाइए जिसमें ये शब्द आ जाए आपका, ये शब्द का प्रयोग करते हुए बनाइए। तो एहि एहि इच्छुआ कुमार स्वागतम, आओ आओ इच्छुआ कुमार स्वागत है। वरम, वरम का मतलब क्या होता है, वरदान, तो कहते हैं अन्यम अपि वरम इच्छामि, अन्य दूसरा वरदान का इच्छुक हूँ, दूसरा वरदान मांगना चाहता हूँ। अन्यम अपि, अब वही चीज़ हो गई, अन्यम अपि वरम इच्छामि, ठीक है, इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया, तो उम्मीद करते हैं। और इस आप दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं, आपकी बुक में आया है जो सुटेबल है। तो चलिए ये आपका जो अभ्यास था वो ख़त्म हो गया है, तो कुछ वीडियो की खराबी के कारण इसको दो भाग में बनाना पड़ा, तो कोई बात नहीं है, और आपका
अभ्यास अच्छे से पूरा हो चुका है, आप समझ भी चुके होंगे। और अब जो हम लोग करेंगे वो कौन सा चैप्टर करेंगे, द्वादश चैप्टर करेंगे। ओके, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, पसंद आया होगा, तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि जो है वो भी इसका जो है पढ़ सकें और अपने क्यूरीज को सॉल्व कर सकें। ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बच्चों जो बेल आइकन आता है, जो बेल बटन आता है, उसको ज़रूर दबाइएगा। इसको दबाने से ये होगा कि जो भी हम नोटिफिकेशन, जो भी हम वीडियोस डालेंगे, उसकी नोटिफिकेशंस आएगी आपके पास में। ओके, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।